नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है टारगेट विद मनीष। तो दोस्तों, आपके सामने आज ज्योग्राफी का पोर्शन लेकर आया हूं, ठीक है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी में कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जो कि आपको थोड़ा दिक्कत करती होगी, तो उसको अपन समझेंगे कि कैसे अपन को याद करना है। कुछ मैप की सहायता से याद करेंगे, कुछ अपना ट्रिक की सहायता से याद करेंगे, कुछ को लॉजिक से याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला है माटो ग्रासो पठार, ठीक है। माटो ग्रासो एक महत्वपूर्ण पठार है, वो कहाँ है? ब्राजील में। आपको ब्राजील कहाँ पे है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इस तरीके से, ये जो नॉर्थ अमेरिका है ऊपर, उससे नीचे एक इस तरीके से साउथ अमेरिका है, ठीक है। साउथ अमेरिका में यहाँ बीच में ब्राजील है, ठीक है। ब्राजील में ही माटो ग्रासो का पठार है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है कि माटो ग्रासो पठार ब्राजील में, तो इसको याद करने का हम ट्रिक बनाए हैं। माटो को मोटा याद करेंगे, ठीक है, मोटा, और ब्राजील को बड़ा, ठीक है। ब्राजील को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ब्राजील, ठीक है, तो बड़ा। तो मोटा जो होगा वो बड़ा होगा, जो मोटे आदमी होते हैं वो बड़े होते हैं, मतलब कि बड़ा टाइप का लगता है कि एकदम से मोटे तगड़े होते हैं, तो वो बड़ा होते हैं, ठीक है। तो इससे याद रखेंगे माटो ग्रासो पठार, यानी कि मोटा ग्रासो पठार बड़ा, यानी ब्राजील में, ठीक है। आगे है अब्सिनिया का पठार। अब्सिनिया का पठार कहाँ? इथोपिया में, ठीक है। इथोपिया, इथोपिया कहाँ पे है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको कहते हैं, जो हॉर्न टाइप का सिंह टाइप का दिखता है, तो यही हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। इथोपिया एक है, देश है इथोपिया। ये बॉर्डर किसका है? ये सोमालिया का है। आपको पता है कि सोमालिया वाले लोग जो पायलट होते हैं, जो जहाज को लूट लेते हैं, तो ये समुद्र है, और इस समुद्र में हिंद महासागर है ये, तो हिंद महासागर में जितने यहाँ से जहाज जाते हैं सबको लूटते हैं सोमालिया वाले लोग, तो सोमालिया ये है, और इसके पीछे इथोपिया है, ठीक है। इथोपिया, इथोपिया में ही अब्सिनिया का पठार है, ठीक है। इथोपिया में अब्सिनिया का पठार, अब्सिनिया नाम कैसे पड़ा? इथोपिया में एक इम्पेरर हुआ करता था, यानी साम्राज्य हुआ करता था, राजा हुआ करता था, उसको अब्सिनिया इम्पेरर कहते हैं, ठीक है। तो अब्सिनिया इम्पेरर के नाम से ही अब्सिनिया पठार पड़ा, वहाँ के जो पठार है उसको अब्सिनिया पठार कहते हैं। तो इससे याद हो जाएगा इथोपिया, ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे है कैंजी बांध, ठीक है। कैंजी बांध कहाँ पे है? नाइजर नदी पर है, और ये नाइजर नदी बहती कहाँ पे है? ये नाइजीरिया में बहती है, मुख्य रूप से नाइजीरिया में बहती है। नाइजर से होते हुए दो देश है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये पूरा साउथ है, ये अफ्रीका का देश महादेश का वो मानचित्र है, इसमें ऊपर वाला नाइजर देश है, नीचे वाला नाइजीरिया है, आपको ध्यान रखना है। नाइजर और नाइजीरिया दो देश है, ऊपर वाला नाइजर है और नीचे नाइजीरिया है, ठीक है। तो ठीक है, नाइजीरिया है, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा है, ठीक है, अबूजा। तो अपन इसको राजधानी कैसे याद करेंगे कि नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है? तो कोई भी साइंटिस्ट क्या कहे, उनका नजरिया, नाइजीरिया को हम नजरिया से याद करेंगे, उनका नजरिया अजूबा होता है, कोई भी चीज को देखने का नजरिया अजूबा होता है उनका, अबूजा को अजूबा से हम याद करेंगे। जैसे आप न्यूटन के बारे में सुना होगा, तो न्यूटन का नजरिया क्या है? सब पेड़ वो जब वो ऊपर से एप्पल जब नीचे गिरा, तो उनका नजरिया कुछ अलग था देखने का, वही नजरिया को हम याद करें, नजरिया का राजधानी अजूबा, यानी कि अजूबा टाइप से वो कोई भी चीज को देखते हैं, वो समझ रहे थे कि नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो इस तरीके से अजूबा उनकी नजरिया होती है। तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा और नाइजर की राजधानी नाइमे है, ठीक है। तो ये दो देश है, और ये कैंजी बांध कहाँ पे है? नाइजर नदी पे। नाइजर नदी कहाँ से बहती है? नाइजर से होते हुए नाइजीरिया से बहते हुए अटलांटिक महासागर में ऐसे गिरती है, ठीक है। तो ये आपको याद आएगी कैंजी बांध, और कैंजी बांध को इस तरीके से भी याद रखेंगे कौन से नदी पे? नाइजर नदी पे। तो कैसे हम याद करेंगे कि कोई कैंची को हम कैंची से याद रखेंगे, कैंची से मतलब कि कोई कह रहा है बंदा एक दोस्त को कि आप उधर ना जाओ, ना नाइजर मतलब कि ना जाओ, नाइजर ना जाओ, या नाई है वहां पे बैठा हुआ आपको कैंची से बाल काट देगा। इस तरीके से अपन कुछ भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि नाइजी कैंची बांध नाइजर नदी पे है, तो कोई दोस्त कह रहा है कि उधर ना जा, उधर जाके पावे तो ठीक है, तो ये नाइजर हो गया, ठीक है। किस ग्रह का अक्ष पृथ्वी की तरह झुका हुआ है? ठीक है, पृथ्वी की तरह एक्चुअली है क्या? पृथ्वी इस तरीके से है, ये आपका पृथ्वी है, ये मान लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री पे है, लेकिन ये पृथ्वी 90 पे नहीं है, ये थोड़ा झुका हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से पृथ्वी है। तो ये कितना झुका है? ये एंगल कितना है? 23.5 डिग्री, ठीक है।
यही पूछना है कि पृथ्वी किस ग्रह का अक्ष पृथ्वी की तरह झुका हुआ है, ठीक है? तो ये अक्ष है पूरा वर्टिकल, उसका कितने पर 23 पे ये पृथ्वी का झुका है, तो इसी की तरह कौन सा और ग्रह है? तो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह का थोड़ा सा ज्यादा है, 25 डिग्री 12 मिनट, ठीक है, इतना झुका हुआ है मंगल ग्रह का। और सबसे ज्यादा किसका झुका हुआ? अरुण का, जो सेकंड लास्ट है, यानी पेनल्टीमेट जो है ग्रह, उसका जो झुका हुआ कितना है? 98, यानी कि 90 से भी ज्यादा। आप समझ सकते हैं इस, ये इधर इस तरीके से ये है, ठीक है? तो 98 सबसे ज्यादा अरुण का है, तो इसको लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं, ठीक है, एकदम से सोया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आपके दिमाग में नाम आते ही आपको दिमाग में आता है क्या? यूएसए। लेकिन गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए में नहीं है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मैक्सिको में है, ठीक है, कहाँ पे है? मैक्सिको में। आप देख रहे हैं ये यूएसए है, यूएसए के ये वाला पार्ट यानी वेस्टर्न पार्ट कैलिफोर्निया, यहाँ पे एक शहर है, और एक ये वाला मैक्सिको का पार्ट, यहाँ से ऊपर मैक्सिको है नीचे, तो ये वाला जो गल्फ बना रहा है ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूज होने के लिए दे दिया जा सकता है प्रश्न में कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहाँ है, तो आपको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मैक्सिको में है, लेकिन कैलिफोर्निया शहर यूएसए में, ठीक है। आगे है जैरिक। जैरिक स्थिति क्या है? जैरिक स्थिति किसको कहते हैं? जब एनवायरमेंट में नमी कम हो जाती है ना, तो उसको जैरिक स्थिति कह सकते हैं आप। और ये आपको ऑप्शन में क्या दिया जाएगा जैरिक स्थिति में? ये ऑप्शन में क्या था इसमें कि कम नमी और या कम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई आर्द्रता यानी कि हाई ह्यूमिडिटी, इस तरीके से आपको ऑप्शन में देकर आपको फंसा सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जैविक स्थिति कम नमी जब इन्वायरमेंट में होती है उसको जैविक स्थिति कहते हैं, ठीक है। लेना, लेना रिवर कहाँ पे है? नदी सॉरी रूस में है, ठीक है, लेना रूस में है। एक्चुअली इसको याद कैसे करना है? आपको पता है कि रूस इंडिया का परम मित्र है, ठीक है, तो कोई भी चीज मांगता है कि हमें ये दे दो, ये टेक्नोलॉजी दे दो, ये टेक्नोलॉजी दे दो, तो ये रूस क्या कहता है? लेना कुछ भी है, मतलब कि कुछ भी लेना, लेना मतलब कि आप दोस्त बात करते रहते हैं ना, तो कहते हैं कि यार ये चीज दे दे, लेना, तो इस तरीके से रूस भी कहता है कि लेना, ठीक है। तो इससे हम लॉजिक से याद करेंगे कि लेना नदी रूस की है, ठीक है। आगे गन्ना, गन्ना का साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है सचम ऑफिसिनारम, ठीक है, ऑफिसिनारम। तो ये हम एक सदाबहार घास है, ये जो सदाबहार वन पाए जाते हैं उस तरीके का सदाबहार जो क्षेत्र होते हैं वहां पे एक ये घास होता है, ठीक है। आपको ये कंफ्यूजन के लिए दिया जा सकता है कि गन्ना क्या है, झाड़ी है, घास है, तना है, इस तरीके से आपको पूछा जा चुका, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गन्ना एक घास है, ठीक है, ये सदाबहार टाइप के जो कंडीशन होते हैं वहाँ पे पेरेनियल सिचुएशन में पाया जाता है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम अगर पूछे तो ऑफिसिन, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रम याद करना है, ठीक है, रम लास्ट में रम वाला वर्ड याद रखेंगे। तो गन्ना का रस पीते हैं तो क्या होता है कि रम टाइप का होता है, कि एकदम से कुछ देर के बाद उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा गन्ना के रस में, आप उसको पिएंगे तो रम टाइप का लगेगा। रम आपको पता है कि अल्कोहलिक चीज है, ठीक है, तो ये इसको याद रखेंगे कि गन्ना का जो साइंटिफिक नेम क्या है, रम है। इस तरीके से आप पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आप ठीक से याद कर सकते हैं। ट्यूबवेलों की सर्वाधिक संख्या, ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती है वो विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? भारत में। भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? यूपी में। तो एक्चुअली यूपी इतना बड़ा स्टेट है कि कितना देश से भी ज्यादा है। यूपी का जो क्षेत्रफल है तकरीबन 60-70 बोलते हैं, तकरीबन 150 देशों से ज्यादा है, 150 देश से जितने बड़े हैं उससे बड़ा ये खुद यूपी है, ठीक है। तो जब समझ सकते हैं कि यूपी इतना बड़ा खुद देश से बड़ा हो सकता है, तो जब भारत, तो इसका तो सिर्फ यूपी, भारत में सिर्फ यूपी को काउंट किया जाए तब भी ट्यूबवेल से सिंचाई सबसे ज्यादा होगा। तो भारत सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई करता है और भारत में सबसे ज्यादा यूपी करता है, ठीक है। आगे है सुपर चावल का विकास। सुपर चावल जो ब्रीडिंग राइस होता है जिसमें आप देखते हैं कि छोटे बाल होते हैं और पौधे होते हैं और उसमें बहुत सारे बाल लदे होते हैं जो ये चावल का, तो इसका ब्रीडिंग कौन किया था, कौन विकास किया था? तो एक साइंटिस्ट है गुरुदेव सिंह कुश, ये इंडिया के साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये चीफ ऑफ रिसर्च रह चुके हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइस
रिलायंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? ये इंडिया में कहाँ पे है? कटक में है। और इंटरनेशनल रिलायंस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये लॉस बनोस में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल रिलायंस इंस्टीट्यूट का लॉस बनोस में हेडक्वार्टर है। लॉस बनोस कहाँ है? लॉस बनोस ये है, लॉस बनोस, बनोस में ये हेडक्वार्टर, ये एक शहर है। ये कहाँ पे है? फिलीपींस में, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलायंस इंस्टीट्यूट के चीफ रह चुके हैं कौन? गुरुदेव सिंह कुश वहाँ के चीफ रह चुके हैं, तो अभी तो रिटायर हो चुके हैं। तो लॉस बनोस में ये इंटरनेशनल रिलायंस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इन्होंने सुपर राइस का विकास किया था, ठीक है। अब देख लेते हैं एक साउथ अफ्रीका को एक नज़र, ठीक है। साउथ अफ्रीका की राजधानी दो जगह है, ठीक है। साउथ अफ्रीका का राजधानी एक प्रिटोरिया है, प्रिटोरिया, और दूसरा केप टाउन है, ठीक है। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, आपको याद करना है कैसे? प्रशासनिक, ठीक है। आ गया केप टाउन वैधानिक राजधानी, जहाँ पे सांसद बैठते हैं, ठीक है। जो सांसद हमारे देश के होते हैं, जैसे वैसे भी वहाँ के सांसद होते हैं, वो केप टाउन में बैठते हैं। तो सांसद लोग बड़े होते हैं, वो टाउन में ही बैठेंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि टाउन सांसद कहाँ पे है, वहाँ का टाउन में है, ठीक है। ये हो गई साउथ अफ्रीका की बात। साउथ अफ्रीका से थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा नीचे अगर भाग है साउथ अफ्रीका, उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो एक मेडागास्कर आइलैंड है, ठीक है। मेडागास्कर एक द्वीप है। तो मेडागास्कर की राजधानी क्या है? मेडागास्कर की राजधानी अंतानानारिवो, इसको हिंदी में लिखेंगे अंतानारिवो, ठीक है। अंतानारिवो इसकी राजधानी है, ठीक है। इससे आगे जाएंगे तो एक मॉरिशस देश है। मॉरिशस आपको पता है कि इंडिया के लोग ही वहां पे बसे हैं, ठीक है। इंडिया के लोग के कारण ही मॉरिशस देश बना है, वहां पे जाके बसे हैं। तो मॉरिशस यहाँ पे है, उससे आगे ये सभी हिंद महासागर के पार्ट है। तो मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। और जब इंडिया के लोग गए हैं तो यानी कि रुपया ही चलाएंगे वहां पे, तो मॉरिशस रुपया वहां का ये करेंसी है, ठीक है। तो और ये मेडागास्कर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेडागास्कर को पहले क्या कहा जाता था? मेडागास्कर नहीं कहा जाता था, इसका पुराना नाम था मालागासी रिपब्लिक, ठीक है। पहले मालागासी रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था। और ये क्या है? ये मॉरिशस है, मॉरिशस के भी बारे में बताया। तो ये अफ्रीका को आपको एक छोटा व्यू दिया ताकि आप इसको भी समझ पाएं। तो ठीक है, अगले लेक्चर में फिर से नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।